बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल कैट कैम मेंटोर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, शादाब होंगे। दोस्तों, मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, पावर मिल 2020 के ऊपर मैं एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने पावर मिल 2008 के ऊपर एक कंप्रीहेंसिव ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए हैं। आप मेरे चैनल के ऊपर आएंगे, प्लेलिस्ट के ऊपर आएंगे, तो यहाँ से आपको डेलकेम पावर मिल के नाम से ये मेरा एक कोर्स मिलेगा। इसके अंदर मैंने पावर मिल के ऊपर कंप्लीट एक जो है पावर मिल 2008 के ऊपर एक कंप्लीट एक कंप्रीहेंसिव हर कमांड को मैंने इसके अंदर डिस्कस किया है। अगर आप 2008 के वर्जन को स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर आकर इसको यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अब की बार मैं शुरू करने जा रहा हूँ पावर मिल 2020। बहुत से दोस्तों ने कहा, रिक्वेस्ट की कि सर आप पावर मिल 2020 के ऊपर, जो कि लेटेस्ट है और ऑटोडेस्क का है, इसके ऊपर वीडियोस बनाएं। चूँकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, उसके अंदर नई कमांड्स होंगी, कुछ तरीक़ेकार को आसान किया गया होगा, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जिस तरह पावर मिल 8 के ऊपर मैंने एक कंप्लीट सीरीज़ बनाई और काफ़ी पसंद भी की गई, इसी तरह मैं 2020 के ऊपर भी एक कंप्लीट लेक्चर की एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। तो ये हमारा आज का एक फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ कमांड्स को भी देखेंगे इसके अंदर, कि इसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स हैं। माउस का इस्तेमाल आप देखेंगे, जो हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर है। तो हमें इस लेक्चर के अंदर आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि इसके अंदर मैं कोई भी मॉडल ऐसा यूज़ नहीं करूँगा जो कि आपको ना मिल सके। मैं सारे के सारे मॉडल ऐसे यूज़ करूँगा जो कि आप इंस्टॉल कर लें अगर ऑटोडेस्क पावर मिल 2020, तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी मैं इसके अंदर मोस्टली एग्जांपल्स को यूज़ करूँगा। तो चलिए हम सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास ये ऊपर मुख्तलिफ मेन मेन्यूज़ हैं, जिनके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं। इन सारे के सारे टूल्स का इस्तेमाल भी मैं आपको इस कोर्स के अंदर बताने जा रहा हूँ। हम इन सारे के सारे टूल्स को इस्तेमाल भी करेंगे और सीखेंगे भी। ये हमारे पास है एक्सप्लोरर, ठीक है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ टूल पास टूल्स और इनकी एडिटिंग, इनको बनाना और इनको मॉडिफाई करना, ये हम यहाँ से उनकी एक्सेस ले सकते हैं, इधर से भी उनकी एक्सेस मिल सकती है। लेकिन एक्सप्लोरर में वो इजी टू यूज़ हैं। इसके साथ साथ हमारे पास है ये स्टेटस बार, जिसके अंदर हमें ये पता लगता है कि हमारा कौन सा एक्सिस एक्टिव है, कौन सा वर्क प्लेन हमारा एक्टिव है, और हमारे पास जो हमारा कर्सर डिस्प्ले ग्राफिक एरिया के अंदर हमारा कर्सर किस पोजीशन में है, हम यहाँ से उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो सिस्टम है वो मिलीमीटर का है, हमें ये बता रहा है मीट्रिक सिस्टम है। हम इसके अंदर जो यूज़ करेंगे अलाउंस फॉर फिनिशिंग, वो हमें यहाँ से पता लग सकेगा कि आपने फिनिशिंग के लिए कितना मार्जिन दिया है। ये चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। आप टूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रेडियल थिकनेस क्या है, एक्सियल थिकनेस क्या है उसकी, ये हमारे पास जो टूल का डायामीटर है हमें यहाँ से पता लगेगा, ठीक है, और जो टूल का रेडियस है वो हमें यहाँ से, यानी ये इंफॉर्मेशन देता है हमें हमारे मुख्तलिफ जो हम टूल्स यूज़ करेंगे उनके बारे में। स्टेटस बार हो गई। इसके बाद हमारे पास ये क्यूब है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ व्यूज से अगर अपने मॉडल को देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसको देखने से पहले मैं एक एग्जांपल को इंपोर्ट कर लेता हूं। तो एग्जांपल को इंपोर्ट करने के लिए हम सबसे पहले फाइल के अंदर जाएंगे और इंपोर्ट के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। यहां से हम एग्जांपल्स के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो पावर मिल के अंदर जैसे ही हम इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी ढेर सारी हमें एग्जाम्पल्स हमें वो दे देता है। मैं इंशाल्लाह अपना सारे का सारा कोर्स इन्हीं एग्जांपल्स के साथ आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो ये उम्मीद करता हूँ कि बड़ा हेल्पफुल होगा आपको। कोई भी मॉडल ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो अवेलेबल ना हो, हर मॉडल आपके पास अवेलेबल होगा, आप उसको देखेंगे, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इंशाल्लाह ये कोर्स बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो मैं 3D पॉकेट्स के नाम से ये मेरे पास एक मॉडल है, इसको मैं डबल क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन करेंगे तब भी ये सेलेक्ट हो सकता है। तो बहरहाल उसको सेलेक्ट करें और ओपन के ऊपर क्लिक करें। तो ये ग्राफिक्स एरिया के अंदर वो मॉडल हमारे पास 3D मॉडल इंपोर्ट हो चुका है, जैसा कि आपको स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहा है। आप
इस क्यूब की मदद से फ्रंट से देखना चाहते हैं तो फ्रंट से देखें, बॉटम से देखना चाहते हैं तो बॉटम से देखें, मॉडल को रोटेट करके देखना चाहते हैं तो रोटेट करके इसको देख सकते हैं। होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वही टॉप व्यू दोबारा से आ जाएगा। तो ये आप मुख्तलिफ व्यू से देखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके पास आप व्यू टूल बार के अंदर में, चूंकि हमने ये सारी टूल बार को डिस्कस करना है, तो मैं आपको सबसे पहले, आप देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रही है मशीन की कि आप टर्निंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं पावर मिल को या के मिलिंग के लिए। तो मैं मिलिंग के लिए यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आप मिलिंग की ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। हाँ, टर्निंग के लिए जब इस्तेमाल करना होगा तो तब आप टर्निंग की ऑप्शन को लाजमी चूज़ करेंगे। वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको यूज़ करेंगे जब हम टर्निंग करेंगे। ये हमारे पास, जिस तरह हमने इस क्यूब को यूज़ करके मुख्तलिफ व्यूज़ को देखा, जैसे ये हम व्यू फ्रॉम टॉप जी और व्यू फ्रॉम बॉटम जी, तो आप किसी भी एंगल से अपने मॉडल को देखना चाहते हैं, एक्स से देखना चाहते हैं, वाई से देखना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ करके अपने मॉडल को मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं। ये हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यू है, 30 डिग्री के ऊपर रोटेट हुआ, तो इसमें भी अब आपको मुख्तलिफ व्यूज़ मिलेंगे। आइसोमेट्रिक 1, 2, 3, आप किसी को भी यूज़ करें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, मतलब ओरिएंटेशन है ये। अब ये हमारे पास है लास्ट, यानी रिसेंटली हमने कौन सा व्यू यूज़ किया उसको हम देखना चाहते हैं दोबारा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये उसी व्यू के ऊपर वापस ले आएगा जो हमने रिसेंटली देखा था। रिफ्रेश का हमारे पास ये बटन है, ये हम आगे जाके देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। कैलकुलेशंस के बाद आपका व्यू थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको अपनी जगह पर वापस लाने के लिए या व्यू को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए हम रिफ्रेश का बटन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है रीसाइज टू फिट, आपने बहुत ज़्यादा जूम कर लिया, अब आप पूरे के पूरे मॉडल को दोबारा से अपनी जगह पर देखना चाहते हैं, यानी एक ग्राफिक एरिया के अंदर पूरे मॉडल को देखना चाहते हैं। अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका मॉडल एडजस्ट हो जाएगा आपकी स्क्रीन के लिहाज से। अब ये ऑप्शन है जूम टू बॉक्स, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, तो बजाय इसके कि आप जो है वो माउस के स्क्रॉल को बार बार घुमाते जाएं, आप सिंपली आप इस तरह ये एक बॉक्स बनाएं, जैसे कि आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं जिस एरिया को आप जूम करना चाहते हैं। रिलीज़ करें माउस का बटन, मैं लेफ़्ट माउस बटन यूज़ कर रहा हूँ। अब आप ये देखें उसने हमारे उस एरिया को जूम कर दिया है, मैं इसको रीसाइज टू फिट करूँगा। तो इस तरह आप इस कमांड को यूज़ करके एक स्पेसिफिक एरिया को जूम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, प्लेन शेड है, और इसके बाद हमारे पास प्लेन शेड दरअसल हम यूज़ करते हैं नॉर्मली मशीनिंग में हम प्लेन शेड ही यूज़ करते हैं, बाकी जो हमारे पास हैं मल्टी कलर शेड है। अब इसका इस्तेमाल ये है कि हमें ज्योमेट्री के लिहाज से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है हमारे मॉडल की, कहाँ पे कैविटी है, कहाँ पे फ्लैट एरिया है और कहाँ पे उसकी इनसाइड है। उसने डिफ्रेंशिएट कर दिया मॉडल को अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। अब हमारे पास ये जो ऑप्शन है मिनिमम रेडियस शेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखें कि मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया तो हमारे एरिया के अंदर जहाँ जहाँ पे मिनिमम रेडियस था इसने उस एरिया को हाईलाइट कर दिया कि ये एरिया ऐसा है जो कि आपने इसको कंसीडर करना है एक जब आपने इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। तो आप इस एरिया को देखिए कि यहाँ पे उसने शेड कर दिया, यानी वो बता रहा है कि ये मिनिमम रेडियस इस जगह पर है। आप अपने टूल सिलेक्शन के लिए पहले इसका रेडियस चेक करें, फिर उसके बाद टूल सिलेक्ट करें। आपका रेडियस ये तभी बनेगा जब आप इससे कम रेडियस का टूल सेलेक्ट करेंगे। बहरहाल ये चीज़ें हम आइंदा जो हमारा कमिंग लेक्चर है उसके अंदर हम ये चीज़ें देखेंगे। बहरहाल अभी मैं आपको इसका इस्तेमाल बता रहा हूँ। इसके बाद जो अगली ऑप्शंस हैं इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है, मैं भी इनको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं जो मशीनिंग में ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होंगी वही मैं आपको बताऊँगा। ये नहीं है कि ये चीज़ें मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आगे ये हमारे पास है, मैं फिर से दोबारा प्लेन शेड कर लेता हूँ, हमारे पास ये ऑप्शन है वायर फ्रेम की। आप जैसे ही ये इस वायर फ्रेम मोड को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो मॉडल था उसके इर्द गिर्द आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्लेन शेड भी नज़र आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपने मॉडल को वायर फ्रेम की सूरत में देखूँ, तो मैं ये प्लेन शेड ऑफ करूँगा। तो अब आप ये देखें
हमें ये लाइनें ही लाइनें नज़र आ रही हैं, 3D मॉडल नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से मॉडल को आप अगर देखना चाहें तो आप ये ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और इसको आप ऑफ़ कर दें। ऑन ऑफ का तरीकेकार यही है कि माउस के बटन को दबाएं, से ऑन हो जाएगी फिर दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ब्लॉक। अब ब्लॉक को कैलकुलेट करना और ब्लॉक के अंदर मॉडिफिकेशन करना, ये हम कमिंग ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि अगर आप ब्लॉक कैलकुलेट करने के बाद उसको हाइड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ करें, और अनहाइड करना चाहते हैं तो फिर भी इस ऑप्शन को यूज़ करें। तो ये थी हमारे पास व्यू टूल बार। अब इसके बाद मैं आपको माउस का इस्तेमाल बता दूं। माउस स्क्रॉल को घुमाएंगे जूम आउट और जूम इन करने के लिए। अब आप मॉडल को मूव करवाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट दबाएंगे और माउस के सेंटर बटन को दबाएंगे, दबा के रखेंगे तो आप ये देखें इसको आप मूव करवा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ पर आप चाहते हैं। शिफ्ट दबाएं और सेंटर वाला बटन माउस वाला जो है ना ये आपको दिखाना पड़ेगा, दबा के घुमाना पड़ेगा। अब इसके बाद आप माउस कीबोर्ड में शिफ्ट और कंट्रोल दबा के रखें और माउस का जो सेंटर वाला बटन है उसको दबाएं और मूव करें, तो रिलीज़ करें माउस के बटन को, तो ये देखें जूम टू बॉक्स, ये ऑप्शन आप इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माउस के सेंटर वाले बटन को दबा के रखें तो आप मॉडल को रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए माउस का सेंटर बटन दबाएंगे और माउस को मूव करेंगे तो आप इस तरह आप रोटेट कर सकते हैं अपने मॉडल को। तो उम्मीद है कि आपको आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमिंग ट्यूटोरियल के अंदर हम बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हैं। आप मेरे साथ टच में रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं इंशाल्लाह आपको पावर मिल के अंदर जितनी भी मोस्टली कमांड इस्तेमाल होती हैं उनको बड़ी आसानी के साथ समझाऊंगा और आप इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। अपकमिंग ट्यूटोरियल तक आप सबको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप आबाद रहें, शादाब रहें। थैंक यू।